हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ये जो है मोटोरोला का फ़ोन है जिसका रिव्यू हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक कि कैसा है फ़ोन, नहीं है और इसका क्या प्रोसेसर है, सब चीज़ इस वीडियो में अंत तक दिखाया जाएगा। तो ये जो है इसका ओपन किए दोस्तों, तो ये पीछे का लुक इसका ऐसा दिख रहा है जो कि काफ़ी गुड लुकिंग है, ठीक है। और इसका ये ऊपर का कवर हटा के देखते हैं कैसा लग रहा है, और ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है हटाने में, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है इसके लिए। बाद बाकी ये जो है ये हट चुका है और काफ़ी गुड लुकिंग। ऊपर से कर्व तो नहीं है, ऊपर का डिस्प्ले कर्व तो नहीं है दोस्तों, ये प्लेन है। और ये है पीछे का, ये रहा आपका, ये बैक लाइट है और यहाँ पे तो मोटो का साइन दिया हुआ है, ठीक है। और अब इसका देखते हैं क्या क्या आया हुआ है, साथ में चार्जर और ईयरफोन है या नहीं देखते हैं। वैसे तो सैमसंग के फ़ोन में आता है ईयरफोन, ये सब में नहीं आता है। तो इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, और ये रहा पिन, सुंदर सा एक है जो कि इसको पहले मैं निकाल लेता हूँ। ये इस तरह का पिन आ गया, और ये एडाप्टर हो गया, ब्लैक कलर का एडाप्टर है, और ये केबल है, ठीक है। और इसका डिटेल्स और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। और इसे मैं इसी में रख देता हूँ और फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह ये ऑन होता है, कोशिश ही कर सकते हैं, नया नया सीखे हुए हैं दोस्तों। पीछे का बैक कवर हटाने के बाद ये ऐसा दिखता है, और काफ़ी स्मूथ है, गुड लुकिंग। इस तरह से ये पीछे का कवर है, और मैं स्विच ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि होने वाला है बस कुछ ही समय में। ये रहा ऑन हो रहा है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है ऑन होते हुए, खुल जा खुल जा। इस तरह ये ऑन हो रहा है और कुछ समय लगेगा ऑन होने के लिए थोड़ा। ये दोस्तों फ्लिपकार्ट से हमने मंगवाया था, जिसका प्राइस लगभग पड़ा था 18,000 के आसपास है। वो मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट का डिटेल्स दिखा देता हूँ। और बाद बाकी ये हेलो आया, वेलकम स्टार्ट। अब इसके बाद देख रहे हैं क्या आता है। कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क आ रहा है, ये एक अपना वाईफाई है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। एयरटेल सिम वक्त, और कुछ यहाँ पे पासवर्ड डालना है अपने को, पासवर्ड इशू है थोड़ा बस। अब प्राइवेसी सेटिंग के बाद लुकिंग फॉर अपडेट्स आ रहा है, ये धीरे धीरे अब ये खुल रहा है, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को इसकी कुछ जानकारी देता हूँ। तो ये गेटिंग योर फोन रेडी हो रहा है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में। तब कॉपी एप्स चेकिंग इन हो रहा है, फ़ोन खुल रहा है, ओपन हो रहा है। तब तक मैं आप लोगों को एक दूसरे फ़ोन में फ्लिपकार्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि कौन सा फ़ोन, मतलब कैसे हम लोगों ने ऑर्डर किया, कहाँ से, और उसका कुछ डिटेल्स क्या क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये वाला है जिसका प्राइस लगभग देखिए अभी है 17,999, ठीक है। और इसके आगे करने पे यहाँ पे रैम रोम जो है वो 12256 है, ठीक है। और इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा है, स्नैपड्रैगन है 695 ऑक्टा कोर, 2.2 गीगाहर्ट्ज। और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है दोस्तों, और रियर कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का है OIS, और प्लस 8 मेगापिक्सल है ना। बैटरी जो है 5000 mAh का है, ठीक है। और अगर हम लोग कैमरा क्वालिटी का बात करें तो ये रहा इसका बैक कैमरा का फ़ोटो, काफ़ी अच्छा आ रहा है अभी तो, थोड़ा इसमें अच्छे से पता नहीं चल पा रहा होगा। और ये है वीडियो क्वालिटी, और
अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, ये रहा वीडियो, फ्रंट कैमरा का वीडियो इस तरह से बनेगा और फ़ोटो भी फ्रंट कैमरा का सेल्फी जो है काफ़ी अच्छा है। ये इस न्यू फ़ोन का फर्स्ट वीडियो बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ रिव्यू हुआ है और ये फ़ोन का मालिक है और ये है सेकेंड मालिक। नहीं बता।